होती है ना, चलो मैं भी देखती हूँ आपके साथ। हाँ मुझे चाहिए आजादी, जय हिंद जय भारत।
थे। मैं तो डर गई कि क्या हो गया। मैं तो फिर दौड़ दौड़ के आई हूँ। मैंने एक सपना देखा था, सब लोग मेरे सपने में आए और वो आजादी की बात कर रहे थे। अब कौन थे वो लोग? उन्होंने अपना नाम बताया था, कुछ सिंह, पटेल, आजाद और हाँ दीदी लक्ष्मी बाई। दी वो कौन से लोग थे जो आजादी के बारे में बात कर रहे थे? दी हम तो आजाद है, फिर ये कैसी आजादी? की पर पहले ऐसा नहीं था, पहले हम गुलाम थे, पहले मुगलों के फिर अंग्रेजों के। अब की आपको पता है कि हम ना 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम थे। दीदी और बताओ इसके बारे में, मेरे को सुनना है। अब की पर पहले ऐसा नहीं था, अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना रखा था और हम अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते थे और वो हमसे काम भी करवाते थे और हम भारतवासियों पर बहुत अत्याचार करते थे। दीदी फिर हमें आजादी कैसे मिली? अब की इस आजादी की शुरुआत हुई 1857 से, जैसे कि मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने इस आजादी की लड़ाई की शुरुआत की। और समय समय पर बहुत से स्वतंत्रता सेनानी आए, जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर और गांधी जी। इन सबके प्रयास से हमें आजादी मिली और जाने कितने ही देशभक्त ने अपनी जान की आहुति दी और हमको आजाद करवा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। हम इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, पतंगे उड़ाते हैं और बहुत सारी चीजें। कि और सपने में क्या हुआ था, क्या बोल रहे थे वो लोग? इतने वो बोल रहे थे कि तुम अभी भी गुलाम हो, तुम गुलाम हो धर्म के नाम पर, तुम गुलाम हो जात पात के नाम पर, तुम गुलाम हो लिंग भेद के नाम पर। लोग विकास के नाम पर जंगल काट रहे हैं और जानवर को मार रहे हैं, खेत कम हो रहे हैं और उनके ऊपर ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही है। किसान के पास खेत ही नहीं होगा तो वो उगाएगा क्या, और हम लोग खाएंगे क्या? सबको अपनी पड़ी है, देश की किसी को चिंता नहीं, क्या यही आजादी? यही पूछ रहे थे वो लोग। दीदी ये सब कैसे होगा? इसके लिए देशवासियों को जागरूक होना पड़ेगा। नदियों को साफ मत कीजिए, बस उन्हें गंदा करना बंद कर दीजिए और वो खुद ब खुद साफ हो जाए। जंगल को मत उगाइए, बस उन्हें काटना बंद कर दीजिए, वो खुद ब खुद उग जाएगी। शांति स्थापित मत कीजिए, बस अशांति फैलाना बंद कर दीजिए और शांति खुद ब खुद हो जाएगी। यही है मूल मंत्र देश की तरक्की का। अगर सभी देशवासी इस राह पर चलेंगे तो हमारा देश जरूर तरक्की करेगा। अब कि यही तुम्हारे सपने का अर्थ था, आया समझ में? दीदी वो कैसे लोग थे, उनकी कैसी सोच थी? उन्होंने अपने देश की खातिर हंसते हंसते जान भी दे दी। नमन है उन स्वतंत्रता सेनानी को जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। जय हिंद। कल 15 अगस्त है, हम भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अक्की अब तुम सो जाओ, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। जन गण मन अधिनायक जयाय भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय है
आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा। इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। इस दिन के लिए खून शहीदों ने दिया था, इस दिन के लिए जहर भी बापू ने पिया था। इस दिन के लिए बेवा हुई थी मेरी बहने, इस दिन के लिए छोड़ दिए पहने गहने। डोली से विदा लाल मेरा किसने पुकारा, हंसते हुए कौन वीर कोई स्वर्ग से धारा। इनको करो प्रणाम ये कर्तव्य हमारा। इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। सरदार भगत सिंह सदा याद आएंगे, जलियाने वाला बाग नहीं भूला जाएगा। बिस्मिल की वो कुर्बानी सदा याद आएगी, आजाद की हुंकार नहीं भूली जाएगी। गूंजा था आज देश में जय हिंद का नारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। है हमें प्यारा, है हमें प्यारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।